बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कलेजी को वाश करने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ, किस तरह से इसको वाश किया जाता है, किस तरह इसकी स्मेल दूर की जाती है। इसके लिए मैंने ली है आधा किलो कलेजी, 2 चम्मच सफ़ेद तिल का, आधा खाने का चम्मच अजवाइन और 5 से 6 अदद हमने लहसुन के जवे लिए हैं। अब हम इसको कलेजी को काट लेंगे। इसको हमने वॉश नहीं किया कलेजी को, सबसे पहले हम इसको क्यूब्स में काट लेंगे। फ्रीजर में रखी हुई थी इसलिए इसमें हल्का सा जमी हुई है ये कलेजी। इसको हम ऐसे क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। इसको हमने वॉश नहीं किया कलेजी को, वॉश करने से पहले ही हमने इसको काटना है और इसको ये इस तरीके से काटना है। इसी तरह हम सारे कलेजी को काट लेंगे। एक इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन। लहसुन को काटने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। अजवाइन ले लेंगे, वाइट सिरका डालेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप पानी। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से बारीक कर। ये देखें इसको हमने ब्लेंड कर लिया। अब हम इसको शामिल करेंगे कलेजी में। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, लहसुन की और अजवाइन की। ये देखें अब हम इसको सारे इसके पेस्ट को इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक हम इसको अच्छे तरीके से नहीं वॉश सही तरीके से करेंगे तो हम जितना मर्जी अच्छे तरीके से इसकी रेसिपी बना लें तो लेकिन ये अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी स्मेल ही नहीं दूर होगी तो फिर कैसे वो रेसिपी हमारी अच्छी बनेगी। तो इसको हमने ये लगा के रख दिया है, तो इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं। कलेजी को आधा घंटा हो चुका है। ये देखें कलेजी अच्छी तरह हमारी, हमने इसको लगा के रखा था। अब इसको हम वॉश कर लेंगे। इसी तरह हम ये उठाते जाएंगे इसमें से कलेजी को, इसको वॉश करके स्ट्रेनर में रखते जाएंगे। ऐसे उठा के इसको वॉश करेंगे और स्ट्रेनर में रखते जाएंगे। इसी तरह हम सारी कलेजी को वॉश कर लेंगे। ये देखें कलेजी को हमने वॉश कर लिया है। ये देखें कितनी अच्छी ये वॉश हुई है ना, इसमें से अब ब्लड आ रहा है। और ये देखें इसमें से लहसुन की और अजवाइन की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसको बनाएंगे ये तो एक इसके लिए मैजिक है, और ये बनेगी इतनी सॉफ्ट बनेगी कि आप खुश हो जाएंगे कि ये कलेजी खाई है, हमने क्या खाया है। इतनी सॉफ्ट बनेगी है और खुशबूदार बनेगी। इसी तरह आप इसको बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।